नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार सौरभ यूट्यूब चैनल। नवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू डस्टर 2024 के बारे में। ये गाड़ी जब इंडिया में आई थी, इसने काफी धूम मचा के रखी थी। 2012 में ये आई थी और जाके 2020 में शायद ये डिसकंटिन्यू हो गई है। अब जो डस्टर के जो फैन फॉलोअर्स है, उनको ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती होगी। जो डस्टर लवर्स है, उनको काफी मतलब प्रभावित करती रही होगी। जब वो शोरूम में जाते हैं तो ये गाड़ी उनको पता चलती है डिसकंटिन्यू हो चुकी है। आज हम इसी कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए जानते हैं कि डस्टर इंडिया में आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो कैसी होगी, किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो डस्टर आप देख रहे हो, ये आउट ऑफ इंडिया की है। चलिए इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। फ्रंट से देखने में आपको ये सामने से बहुत ही बोल्ड नज़र आ रही होगी, और इसमें आपको सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही होगी, इसमें आपको बीच में डीसी का लोगो देखने को मिल रहा होगा। लेकिन भाई, ये डीसी का लोगो नहीं है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको पागल बना रही हूँ, गाड़ी डीसी से मॉडिफाइड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो डस्टर है वो डैशिया ब्रांड के अंडर में आती है और इस पूरी कंपनी को जो है रेनॉल्ट ओन करता है। ये जो डस्टर आप देख रहे हो, ये एक डस्टर का अपडेटेड वेरिएंट है, जो कि इंडिया में आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। फ्रंट लुक अगर इस गाड़ी की बात करते हैं, तो फ्रंट में आपको इसका डिज़ाइन जो है वो ओल्ड जैसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपको इसमें जो LED लाइट्स वगैरह हैं, वो काफ़ी देखने में प्रीमियम लगती हैं और DRLs वगैरह काफ़ी बहुत प्रीमियम लगते हैं। फ्रंट लुक में भी आपको LED सेटअप वगैरह मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको इसमें फॉग लैंप वगैरह मिल जाते हैं, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। और इसकी फ्रंट ग्रिल में आपको देखने को छोटा सा कैमरा देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसी बात है, आपको इसमें 360° कैमरा भी मिलेगा। और अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं, तो जितनी बड़ी पहले थी उतनी बड़ी अब भी है। मतलब साइज वाइज लेंथ वेंथ सब एक तरीके की है, बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है इसमें। अब बात करते हैं साइड लुक की। तो आपको सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है वो है टायर्स पे। टायर्स में क्या चेंजेस किए गए हैं तो बता दूं, इसमें आपको 17 इंचेस के आपको प्योर ब्लैक अलॉय देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी देखने में सुंदर लगते हैं। लेकिन अलॉय का डिज़ाइन थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, लेकिन गाड़ी के कलर वगैरह देख के तो लोगों मैच करता है, तो ठीक है। साइड लुक की अगर बात करते हैं, तो कोई भी ज़्यादा मेजर चेंज नहीं किया गया है। तो पहले आ रही थी वही डिज़ाइन है पूरा, मतलब लोगो वगैरह सब वही, मतलब डिज़ाइन तो वही है, लेकिन कुछ कुछ कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं। क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी है, तो डस्टर वाली फील तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी का नाम ही बदल दिया जाएगा। और इसके डोर हैंडल की अगर बात करते हैं, वो मुझे सबसे रद्दी लगते हैं। अगर ये गाड़ी आएगी तो इसकी अगर प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो करीबन 17 से 18 लाख रुपए की प्राइसिंग में आएगी। और इसके डोर हैंडल की अगर बात करते हैं, तो ये एकदम बकवास अल्टो जैसे इसके डोर हैंडल में आते हैं ब्लैक कलर में, जो कि बकवास लगते हैं। इतने पैसे दे के आपको ये चीज़ मुझे तो अच्छी नहीं लगी है। अगर आप अपना कमेंट में अपनी राय बताना। चलते हैं अब हम बैक लुक की तरफ। बैक लुक में आपको देखने को वही डिज़ाइन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो है टेल लैम्प वगैरह कुछ चेंजेस मिलेंगे उसकी थोड़ी। आपको अब जो है टेल लैम्प जो मिलेगा, उसमें आपको LED प्लस हैलोजन का सेटअप देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आपको वाइपर, डिफॉगर, वॉशर वगैरह मिल जाएंगे, और ऊपर की तरफ आपको स्पॉयलर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। ओवरऑल गाड़ी जैसे पहले थी, अभी भी वैसी ही। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। चलते हैं हम इंटीरियर में। इंटीरियर में जैसे ही हम बैठेंगे, आपको एक अलग फील देखने को मिलेगी, और जैसे पुरानी डस्टर थी कुछ उस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं कह सकते इसमें कुछ ज़्यादा ही एडवांस फीचर डाल दिए गए हैं, क्योंकि इसका डैशबोर्ड वगैरह जो है वो हार्ड प्लास्टिक का है। कहीं पे भी आपको सॉफ्ट मटेरियल नहीं देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग वगैरह थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं, लेकिन उतने कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पे आपको AC कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हाथ से ही आपको सेट करने पड़ेंगे। वो ऑटोमेटिक हैं, लेकिन आपको हाथ से ही सेट करना पड़ेगा, कि ऑटोमेटिक लो वगैरह से जो सेट करते हैं आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। इंटीरियर इसका कुछ मुझे खास नहीं लगा, जैसे क्रेटा और सेल्टॉस का होता है उस तरीके का तो नहीं है, लेकिन रफ एंड टफ गाड़ी ने के लिए ऐसा किया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो इसमें आपको 7 से 8 इंच का आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि ठीक है। आजकल की गाड़ियों में तो जहाँ पे आपको 10-10, 12-12 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे आप 7 इंच का दोगे तो काम चलाऊँ आपको देखने को मिलेगा। आपको बाहर आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा आप इस चीज़ के शौकीन हो तो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करते हैं, तो आपको वो भी जो है एनालॉग देखने को मिलता है, जो कि आजकल कंपनियों में आपको दूसरी कंपनियाँ वो आपको डिजिटली देती हैं, और यहाँ पे डस्टर जो है एनालॉग देखने को दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है अगर ये 17 से 18 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे आएगी तो। इंटीरियर की पीछे की बात करते हैं, अगर पीछे की तरफ सेकंड रो की अगर बात करते हैं, तो उसमें आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बूट स्पेस की अगर बात करें, नॉन डस्टर में आपको पीछे बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। ओवरऑल गाड़ी बढ़िया है, ठीक है, लेकिन इंटीरियर में इनको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए था। हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की। इस गाड़ी में आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा। और इस गाड़ी में आपको 4x4 के भी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, जो काफ़ी सही है।
कमेंट में लोग आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि इस गाड़ी को इंडिया लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।